राजनीति की पैंतरेबाजी में विशेष राज्य का दर्जा अब जदयू के लिए मुद्दा बनकर रह गया है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि सभी मुद्दे पूरे करने के लिए नहीं बल्कि दबाव के लिए भी गढ़े जाते हैं, मगर जिस बौद्धिकता के साथ नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे का ताना बाना बुना है, वो जदयू की राजनीति के साथ साथ कदम ताल करते हुए प्रमुख मौके पर दिखा है। मगर पूरे मामले में ताजा अपडेट ये है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। बजट सत्र से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एक बार फिर जदयू ने विशेष राज्य के दर्जा मामला को पुनर्जीवित किया। कांग्रेस ने इनकी मांग का समर्थन तो किया, मगर आंध्र प्रदेश के टीडीपी के चुप्पी ने जदयू के मनोबल को थोड़ा कम किया। जदयू की ओर से संजय झा ने जरूर बिहार की जरूरत को चिन्हित करते इस बात पर जोर दिया कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, साथ ही केंद्र सरकार पर बाढ़ से त्रासदी का पूर्ण समाधान हेतु प्रस्ताव भी रखा। हालांकि बजट से ठीक पहले एनडीए के सहयोगी दलों ने भी आवाज उठाई। जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की है। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी विशेष राज्य के दर्जा का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव नए आवरण में था। इस बार जदयू ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से बिहार के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की आवश्यकता पर बल दिया। वैसे तो जेडीयू लंबे समय से बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रही है और ये मुद्दा इसके पिछले प्रस्तावों में भी शामिल रहा है, लेकिन इस बार एक विकल्प के रूप में विशेष पैकेज को शामिल करना राजनीति के नए स्वर को आभास करा गया। अब इसे गठबंधन धर्म की जरूरत कह लें या फिर जदयू का व्यावहारिक दृष्टिकोण सामने आया। विशेष राज्य के दर्जा पाने के वास्ते महागठबंधन की सरकार ने गरीबी को दर्शाने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया। बताया कि सामान्य वर्ग के करीब 25% लोगों के महीने की आय 6,000 रुपए तक है, केवल 9% लोगों की महीने की आय 50,000 से ज्यादा है, 23% की आय 6 से 10,000 रुपए है। सामान्य वर्ग में 19% लोगों की आय 10 से 20,000 रुपए तक है, वहीं 16% की आय 20 से 50,000 के बीच है। सिर्फ 9% लोग ऐसे हैं जिनके महीने की आय 50,000 रुपए से ज्यादा है। पिछड़ा वर्ग के 33% लोगों की महीने की आय 6,000 तक है, 29% की आय 6 से 10,000 है, 18% की मासिक आय 10 से 20,000 है, 10% की आय 20 से 50,000 है और सिर्फ 4% आबादी की मासिक आय 50,000 या इससे अधिक है। वही अनुसूचित जाति में 42% लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आय 6,000 तक है, 29% की आय 6 से 10,000 तक है, 15% की आय 10 से 20,000 तक है, 5% की आय 20 से 50,000 तक है और 1% की आय 50,000 रुपए से ज्यादा है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार की नीयत ठीक है। जिस तरह से सुशासन उनके नाम के साथ जुड़ा, उसी तरह से विशेष राज्य का दर्जा लाकर विकास कुमार को भी चरितार्थ करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि इस रास्ते काफी मुश्किलें हैं, फिर भी दबाव की राजनीति के सहारे बिहार में और विकास चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनके वश में नहीं, इसलिए दबाव का एक व्यवहारिक पक्ष जदयू की तरफ से ही आया है और वो है विशेष पैकेज। विशेष पैकेज अटल जी के समय भी मिला था, अब नए परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर विशेष पैकेज जदयू का व्यवहारिक पक्ष है, मगर इसके बाद भी विशेष राज्य के दरवाजे नीतीश कुमार समय समय पर खोलते रहेंगे, क्योंकि ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है।